श्लोक रूप में प्रदान की थी, तो उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे तत्व को उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी के हृदय में उन्होंने ये सारे तत्व को उन्होंने स्मरण कराया, तभी इतने सुंदर ग्रंथ श्री बृहत भागवतामृत जैसे ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी ने इन्होंने हम लोग को प्रदान किया है। इसलिए अगर ये बृहत भागवतामृत कथा कोई सुन ले उसको पूरी केवल भागवत कथा उसको सुनना हो जाएगा, केवल भागवत नहीं कहते चार वेद भी सुनना हो जाएगा, चारी वेद ऋत जजु श्याम अथर्व चारी वेद भी सुनना सुनने का फल मिलेगा, और जितने सारे उपनिषद का सुनने का फल मिलेगा, ब्रह्म सूत्र सुनने का फल मिलेगा, और जो आठर जो पुराण है उसको भी सुनने का फल मिलेगा, महाभारत कथा सुनने का फल मिलेगा, और श्री भगवत गीता भी सुनने का फल मिल जाएगी अगर ये ग्रंथ को कोई अध्ययन कर ले। बोले श्री बृहद भागवतामृतम् की जय। जय श्री राधे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, आज हम लोग श्री अम्बरीश और माता जी का नाम क्या है? रंजना। हाँ, इसलिए इन्होंने अपना घर में बोले हमारे घर में भगवत कथा हो। देखो कहते जिस गृह में भगवत कथा हो वो गृह क्या है? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग। जहाँ पर भगवान अच्युत की कथा हो वो घर घर नहीं। कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, बोले पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी निवास करते, उसी घर में सारे तीर्थ का निवास हो जाती जिस घर में हरि कीर्तन हो। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? बोले जे दीन गृह है भजन देखी गृह ते गोलक भायो, जे दीन गृह है भजन देखी गृह ते गोलक भायो, प्रसाद सेवा करी से आया सकल प्रपंच जाया, प्रसाद सेवा करी से आया सकल प्रपंच जाया, यदि न गृहे भजन देखे जिस घर में भगवान की कीर्तन भजन पूजा हो क्या है? गृह ते गोलोक भाई, वो जो घर नहीं वही घर ही वृंदावन धाम, वही घर गोलोक वृंदावन बन जाता है, और वहां से जितने दुख कष्ट जितनी अशांति सबके सब घर से भूत पिशाच डाकी विसाखी सबके सब घर से निकल जाती है, सबसे घर से निकल जाती है। बोले क्यों? कितना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का जो नाम है सारे अमंगल को सारे दुख कष्ट को ये दूर कर देते हैं। इसलिए आज हम लोग का भाग्य उदय हुआ जो कि हम लोग चार दिन तक ये श्रीमद् भागवत श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथ को हम लोग श्रवण करें। इसलिए जो कथा को हमारे शास्त्र में अलग अलग नाम दिया है, कहते कथा को कहते श्री सुत गोस्वामी कहते हैं क्या कहते हैं? बोले काल व्याल मुखम ग्रास त्रास है सब है तब निर्निस। देखो कथा को क्या उन्होंने उदाहरण दिया? बोले काल व्यालम, ये काल को एक ब्याल, ब्याल मतलब सर्प, जैसे सर्प किसको निगल जाता है, ये काल रूपी ब्याल, ये काल रूपी जो सर्प अजगर सर्प हमें सब निकल रहा है, क्योंकि हमारे सारे परमायु सारे नष्ट हो रहा है, ये सूरज नहीं बोले काल है। हम बोलते हैं कितने उम्र के हो गए? अरे हम 50 साल के हो गए।
मोच में हाथ लगा कर 50 साल तो भैया तो 50 साल के नहीं हो गए, 50 साल तुम्हारे खत्म हो गए, तो बड़े नहीं हुए तुम छोटे हो रहे हो। हाँ बड़े नहीं क्यों, ये काल भी जो सर्पत में ग्रास कर रहा है, हम मरने का तरफ में जा रहे हैं, कहते ना हैप्पी बर्थडे बना रहे, वो हैप्पी नहीं दुखी, क्योंकि हैप्पी बर्थडे नहीं तुम्हारी, ये दुख होनी चाहिए। हमारा 30 साल चला गया, 20 साल चला गया है, दुखी होनी चाहिए, लेकिन हम खुश होते हैं, नहीं हमारा सर्व समय नष्ट हो रहा है। लेकिन श्री सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, अगर ये काल रूपी ब्याल से अगर तुम बचना चाहते हो क्या करो, भगवान की कथा सुनो, तब ये परमायु तुम्हारी नष्ट नहीं होगा और काल रूपी जो सर्प तुम्हें निगल नहीं पाएगा। तो एक उदाहरण देकर समझाए, आपने देखना कभी सर्प और नेवला में कभी कभी लड़ाई होता है, देखे हो कभी सर्प नेवला में लड़ाई होता है, है? जब लड़ाई होता है ना, जब सर्प नेवला को काटता है, वो नेवला को पता है एक दबा, वो क्या करेगा, झट जंगल में चला जाएगा, है? जंगल में जा करके ना कि जड़ी बूटी झट उसको खा लेगा, फिर आएगा, फिर सर्पों को साथ में लड़ाई करेगा। लड़ाई करते करते अगर सर्प ने फिर काट दिया ना, बोले भैया एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी तो रुक जा, अभी अभी आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ, क्या करेगा, वो जाएगा जाकर के फिर वो जड़ी बूटी को खाएगा, फिर आकर लड़ाई करेगा। ऐसे करते 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 लास्ट में ये जो नेवला हो ना सर्पों को खत्म कर देता। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि ये काल रूपी सर्पत हमें ग्रास कर रहा है, लेकिन उसको बचने के लिए दवा लो। बोले कौन सा दवा, बोले भगवान की कथा रूपी दवा, भगवान की कथा रूपी दवा है। अगर ये भगवान की कथा रूपी दवा अगर तुम लेते रहोगे ना, अगर कभी ये संसार रूपी काल हमें काट दिया, जैसे बीच बीच में कथा क्यों सुनते हैं, जब कथा सुनते ना देखे ना एकदम एनर्जी आ जाती है, नहीं रोज तिलक लगाएंगे, जो रोज हरिनाम, रोज रोज 16 माला 32 माला करेंगे, सवेरे उठेंगे आरती करेंगे, लेकिन जब साधु लोग चले जाते हैं ना, फिर धीरे 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 डाउन होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे घड़ी में चाबी देते हैं ना, जब चाबी दे देते हैं ना 24 घंटा तो चलेगा, फिर धीरे धीरे पावर खत्म होती जाती, फिर साधु संग, फिर हरी कथा सुना, फिर एनर्जी आ जाती, भैया ये जीवन दुर्लभ जीवन है, इसको ऐसे मत बिताया करो, गप्पे मार करके दूसरे चुगली करके उल्टा पुल्टा चीज में मत लगाओ, इसलिए ये जीवन नहीं, जीवन तो केवल हरि की भजन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए कहते काल रूपी ब्याल से सर्प से अगर बचना चाहते हो क्या करो, भगवान की कथा ही ये मेडिसिन है, इसको इसको पियो बस, सारे जो काल रूपी सर्प कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, कथा को अलग अलग नाम बताया, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले निवृत तसै रूपगीय माना भव औषध छत्र मनोविरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विषा विनाप शुभनात। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कथा इतना मीठा, भगवान की कथा इतना मीठा है, कैसे मीठा है, बोले जो आत्मा में जो रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे चतुसन जैसे व्यक्ति भी जब भगवान की कथा सुनते हैं, वो भी सारे आत्मरामता को सारे ब्रह्म ज्ञान को तुच्छ करके वो भी प्रभु की कथा रूपी रस में डूब जाते हैं। वो कहते कथा क्या है, बोले भव औषध छत्र मन विराम, भगवान की कथा को दवा को साथ में उदाहरण दिया औषध, जैसे कोई बीमारी हो तो बीमारी के लिए हम दवा लेते हैं ना, तो उन्होंने कहा भगवान की कथा क्या, बोले दवा औषध है, बोले भैया अक्सर करके देखना जो औषध है ना एलोपैथिक कौनी होती है ना, झट मुंह में डाल करके पानी पी करके हम हाँ निकल जाते हैं, बोले क्यों, उसमें बड़ी कड़ुई होती है, बोले क्या भगवान की कथा इसे कड़ुई, अरे नहीं भगवान की कथा कड़ुई नहीं, छोत्र मनोभिरामा, भगवान की जो कथा है ना बड़ा आनंद देता है, भगवान की कथा में बड़े शांति मिलती है, भगवान की कथा में बड़े छोत्र और मन मतलब कान और हृदय को
ये आनंद देने वाली ये भगवान कथा है। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु, भगवान बोले वर मांगो, बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे को 10,000 कान दो, बोले 10,000 दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ पर दो कान, यहाँ पर दो कान, मुंह में कान ही कान हो जाए थोड़ी अच्छी लगेगी, बोले इतना कान लेकर क्या करोगे, बोले प्रभु 10,000 कान मतलब कान दो ही रहे, लेकिन ये दोनों कान में भगवान की कथा सुनने को इतने शक्ति दो, 10,000 कानों में जो शक्ति, हमें इतना कान दे दो, नहीं कहीं की कथा मेरी चुभ नहीं जाए, जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होगी, और भी तो कहीं कथा होगी, प्रभु जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अब हनुमान को देखना, जहां जहां प्रभु राम की कथा होगी ना, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हैं और उतना रूप धारण करते हुए सर्वत्र जा करके हाथ जोड़ करके और गदगद को साथ में आंसू बहाते हुए क्या करते, भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए प्रभु मैं उतना रूप धारण करते हुए आपकी मैं कथा सुनते रहूं। इसलिए भगवान का कथा को क्या बताए, बोले छोत्र मन विरामात, कान और हृदय को ये आनंद देने वाली ये भगवान की कथा है, वो मीठी है, भगवान की कथा मीठी है। ये कथा को कहते श्री भगवान श्री कपिल देव क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बताए, बोले माँ ये जो भगवान की कथा है, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतिकर नरसायन कथा। बोले माँ जब श्री माता देवती अपना बेटे बेटे कपिल देव को बोले, बोले बेटा मेरा मन बड़ा चंचल है, मन मेरा इधर उधर भटकता है, हैं इसलिए मैं तो स्त्री जाती हूँ, बताओ मेरी मुक्ति कैसे हुई, हमें क्या करनी चाहिए। तो भगवान ने अपना माँ को स्वयं कहती है, बोले माँ तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बोले क्या करो, मेरे भक्तों को संग में कथा सुनो। तो भगवान स्वयं अपना कथा की महिमा बताते हैं, क्या बताए, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, बोले माँ मेरे जो भक्त है ना, मेरे जो शुद्ध भक्त है उनकी प्रसंग में कथा सुनो। सतांग प्रसांग प्रसंग, प्रसंग मतलब क्या है, बोले प्रसंग मतलब होता है जैसे आए और बैठे और चले गए, आए बैठे और चले गए हैं, और अपना जीवन में किसी चीज को उतारा नहीं, बोले नहीं, बोले माँ मेरे भक्तों का संग कर, संग मतलब होता है सम्यक रूप अनुभव, वो जो बोलते हैं उसको अपना जीवन में उतारनी चाहिए, ऐसे नहीं इधर सुने और इधर निकाल करके यहां चले गए। इसलिए एक उदाहरण देते हैं ना, एक व्यक्ति दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गए, उन्होंने देखा 3 मूर्ति है, बोले भैया इसका कीमत क्या है, बोले पहला मूर्ति का कीमत है 100 रुपया, बोले दूसरा बोले 500, बोले तीसरा बोले 5,000, बोले तीनों तो बराबर लगते हैं, इतना फर्क क्यों, बोले 3 गिलास पानी लाओ अभी समझाऊंगा, जिसका कीमत था 100 रुपया उसको कानों में डाला है ना, वो जिधर डाला उधर ही निकल गया, बोले इसका कीमत 100 रुपया, बोले मतलब ये तो सुनता है लेकिन जिधर सुनता उधर निकाल करके चले जाते हैं। दूसरा नंबर बोले 500 रुपया, बोले ये तो सुनता तो है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता, बोले तीसरा नंबर और 5,000, जब उसको कानों में डाला है ना एक बूंद भी नहीं निकला, बोले इसका कीमत कितना है 5,000, मतलब क्या है, जो कथा को सुने और अपना जीवन में उतारनी चाहिए उसको उतारनी चाहिए। इसलिए बोले माँ ये जो मेरी कथा है सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, अगर सत्संग से मेरी कथा सुनोगे ना वो बड़ा बलवान कथा है, अगर ये कथा को सुनोगे क्या मिलेगा, बोले आप वर्ग वर्तमनी, तुम्हारे जो प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, कहते जो प वर्ग तुम्हारी समाप्त हो जाएगी,
मतलब होता है परिश्रम, फ मतलब होता है फेन झांक, ब मतलब होता है व्यर्थता, भ मतलब भय और माँ मतलब मृत्यु। बोले माँ अगर ये कथा सुनोगे ना, इसलिए श्री पद्म पुराण में बताया, ध्यान देकर सुनो, पद्म पुराण में बताए कि जो कथा हम नहीं सुन रहे हैं, हम कथा नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हो? कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे। भागवत तो 7 दिन तक, लेकिन ये कथा 4 दिन तक, क्यों? ये भागवत का भी ये सार है, भागवत का भी ये सार है। अगर ये कथा को आप नियम से कथा सुनना, ऐसे नहीं आए बैठ और चल पड़े यहां से, हैं? ऐसे नहीं, अगर ये कथा को नियम से कहीं सुनेगा तो श्री सुत गोस्वामी कहते हैं 7 दिन में तुम जो कुछ मांगोगे, कहते जो निर्धन उसका धन प्रदान करता है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जिसको संतान नहीं उसे संतान प्रदान करती है, तो जो कुछ मांगोगे। बोले अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उधर, कहते अकाम, अकाम मतलब क्या? जिसके अंदर में कोई कामना वासना नहीं, इधर आ, जिसके अंदर में कोई कामना वासना नहीं, इधर आ, कहते उसको क्या क्या देते हैं? उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। जिसके अंदर में कामना वासना, हमें स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत चाहिए, उसको उसको देते हैं। जिसके अंदर में मोक्ष काम, उसको मोक्ष काम देते हैं। और जिसके अंदर में भक्ति कामना, उसको भगवत प्रेम दे करके ठाकुर जी की सेवा को अर्पण करते हैं। इसलिए ये कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कहां पर बैठे हैं? बोले भागवत रूपी कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन नियम करके सुननी चाहिए, हैं? आधा नहीं, लास्ट में नहीं, कथा की फास्ट से बैठे, कथा को फास्ट में बैठो और कथा को लास्ट तक सुनो, तभी सब इच्छा जो कुछ मांगोगे सब कुछ ये भागवत देगा। इसलिए श्री भगवान कपिल देव कहते, बोले माँ ये कथा नहीं, ये क्या है? रसायन, वो उदाहरण दिया, ये रसायन है। रसायन किसको कहते हैं? बोले 10 तरह का जड़ी बूटियों से ये रसायन बनता है, हाँ? एक तरह का रसायन, इसको पियो ना, शरीर का तुम्हारी जितने बीमारी सारे बीमारी समाप्त हो जाती है और शरीर को ताकत देती है। भगवान कहते हैं माँ ये जो कथा है हृदय और कान को ये रस प्रदान करने वाली ये भागवत कथा है। इसलिए कथा सुनने से क्या होगा? पहले श्रद्धा, फिर भक्ति, और ये कथा ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा, कथा ही तुम्हें भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति कराएगा। और प वर्ग मतलब समस्त दुख कष्ट भय मृत्यु से तुम्हें निकाल करके भगवत चरण में प्रदान कर देगा। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भगवान कपिल देव अपना माता देहूती को कहती है। ये गोपियां क्या कहती हैं? ये कथा क्या चीज, ये गोपी क्या कहती हैं? बोले तब कथा मृता बना किस बात है कभी भी रीता Oh,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम लेता है ना उसको तीन काम होता है। कितना काम होता है? तीन। मैं अभी बताऊंगा फिर कल सुनूंगा देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। रूप गोस्वामी कहते जो भगवान के नाम जप करता है पहला काम है जमपुरी में श्री चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते हैं। आपको बताए चित्रगुप्त कौन है? गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब होता है फटो, जो छुपा छुपा करके हमारे सारे फटो को ले रहे हैं। अगर कोई सोचे हम तो 10 तला बिल्डिंग के ऊपर बैठ करके चार तरफ पे दरवाजा बंद है मैं क्या कर रहा हूँ कौन देख रहा है? बोले नहीं, दिन में करते हो ना ये सूर्य का किरण चार तरफ में, ये सूर्य किरण इसका प्रमाण है, कहीं भी छुपा कर नहीं कर सकते। रात में बोले सब जगह में रात है, रात में चंद्रमा और रात सब जगह में 10 दिशाएं है, ये सब के सब साकी है। जो कुछ हम कर रहे हैं चित्रगुप्त सारे फटो ले रहे हैं और हमारे सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं। फिर जब कापी खोलेगा ना सब कुछ एक एक कर निकलेगा, तुमने क्या क्या कर्म किया था सब निकलेगा, कोई चीज हम छुपा नहीं सकते। लेकिन जो प्रभु का नाम जब करता है, जब महाराज चित्रगुप्त को बोला तो बोले घर आओ, बोले क्या? बोले रजिस्टर लाओ, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दो। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना और ये नरक नहीं आएगा, कोई व्यक्ति और ये नरक नहीं आएगा। कहते गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर लिया, बोले क्या करना? बोले इसके नाम को लिख दो। बोले क्यों? बोले भगवान के नाम ले रहा है ना, हाँ गोविंद का नाम ले रहा है ना, अभी वो गोलोक वृंदावन में आएगा। अब ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति प्रभु का नाम ले रहा है ना, अभी भूर भूव मोह जन सब लोग को पार करते हुए ब्रह्म लोग पार करते हुए जब गोलोक वृंदावन जाएगा उस समय आरती उतारेगा। बोले भगवान के नाम में इतने शक्ति, इसलिए गुरु जी ने जो नाम दिए ऐसे नहीं गुरु जी से माला तो ले गए और लटका करके रख दी। टीवी तो 3-3 घंटा बैठ कर देख लेते हैं लेकिन माला करते समय और समय का है नहीं, इसी नाम से जो कुछ मिलेगा ठाकुर जी की नाम से मिलेगा, इसलिए नाम को नियमित पूर्वक नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सबके सब मेरे मेरे पीछे बोलो, बोलो हरे कृष्ण Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
प्रसन्न होते हैं ना, वो फूल बौछार करते हैं। अब अभी तक बारिश नहीं हुई, हमने नगर कीर्तन भी करके बारिश नहीं हुई, लेकिन जब कथा प्रारंभ हो गया बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब है भगवान की कथा होने पर देवता लोग भी आकाश से प्रसन्न होते हैं। इसलिए पद्म पुराण में बताए, चतुसन ने जब ये कथा सुनाए, स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हुए। वहां से स्वर्ग से पारिजात पुष्प की बौछार की, शंख घंटा करताल बजा करके ये भागवत कथा की वो भी जयकार देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतमुखी, बोले श्री बृहद् भागवतामृतमुखी, जय जय श्री राम। इसलिए ये कथा को गोपियां क्या कहती हैं, कहती है कथा नहीं श्याम सुंदर तब कथा अमृतम। इसको जो पान करेगा ना, वो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगा। बोले कथा को क्या बोले, बोले अमृतम। तो एक नीति शास्त्र में बताया, कि जो अमृत है इसी मरते जगत में चार जगह पर अमृत रहता है। बोले कहाँ कहाँ पर, बोले पहला अमृत है, बोले अवधव विधव बधु मुखे भणिनाम निवासे। बोले एक अमृत रहता है समुद्र में, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकली। बोले क्या समुद्र में अमृत, बोले नहीं, अगर समुद्र में अमृत रहता तो भैया पानी इतना नमकीन क्यों, खारी क्यों, मीठा होता, इसलिए वहां पर अमृत नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ रहता है, बोले ये विधव मतलब चंद्रमा में। बोले क्या, क्योंकि देखना दिन भर सूर्य का किरणें से हम तप जाते हैं, लेकिन रात को जब चंद्रमा निकले सुशीतल हो जाते हैं, सुशीतल हो जाते हैं। बोले किसमें अमृत, बोले चंद्रमा में। इसलिए खीर बनाकर छत में रख देते ना पूर्ण चंद्रमा में, उससे अमृत निकलता है। बोले क्या चंद्रमा में अमृत, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले चंद्रमा में अगर अमृत होता चंद्रमा हर समय पूर्ण रहता, तो ये खय क्यों बताएं, प्रथमा द्वितीया तृतीया में खय अमावस्या को खत्म। बोले तीसरा अमृत कहाँ, बोले माताओं की स्त्रियों की मुखारविंद में अमृत है। बोले जिस अमृत को पति लोग पान करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते वहां भी अमृत नहीं, अगर वो अमृत होता फिर पति क्यों मर जाता है, पत्नी से मरने से पहले ही पति का राम नाम सत्य हो जाता है, वो तो अमर होता, वहां भी असली अमृत नहीं। बोले चौथा अमृत कहाँ है, बोले फणिनाम निवासे, जहां पर सर्प निवास करता है, बोले वहां पर भी अमृत, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं गरुड़ात त्रासा, कि गरुड़ को डरता है सर्प, क्योंकि उसका आहार है। बोले अगर वो अमृत होता तो
फिर उसका 20 दांत टूटता क्यों, फिर गरुड़ उसको क्यों खा जाता है, वो डरता क्यों? बोले ये सब बेकार अमृत अमृत कहीं नहीं, बोले एक अमृत स्वर्ग में, एक अमृत स्वर्ग में जिसको देवता लोग पान करते हैं, बोले खिन्न पुण्य मृत लोग विसरती, उनका पुण्य खत्म होते ही वहां से भी गिरना पड़ता है, वहां भी पतन हो जाती है। बोले उनका छठवां अमृत बताया मुक्ति, मुक्ति को भी कई बार लोग भी एक अमृत बताए, लेकिन भगवान कहते हैं तत्व पतंति अध अनाद तुष्मद अंग्रय, कहते जो मुक्ति कामी व्यक्ति कठोर साधन करके बड़े उच्च पद प्राप्त करने पर भी भगवान की चरण को अनादर करने के नाते उनको भी पतन होता है, वो भी गिरते हैं। इसलिए दियमान अपि न गृह्णन्ति, भगवान कहते हैं मैं अपना भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ, मेरे भक्त मुक्ति लेते ही है, मुक्ति स्वयं मुकुंदाजलि सेवत असमान, भक्तों की दरवाजे का बाहर पर मुक्ति खड़ी रह करके हाथ जोड़ कर खड़ी रहती है। बोले कहीं अमृत प्रमृत कहीं नहीं, झूठा अमृत है। बोले भैया सारे झूठा है। बोले हाँ। बोले फिर अमृत कहाँ पर? बोले एक जगह पर यह अमृत है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीतम कल्मषापम। इसलिए राधा रानी कहती है केवल एक जगह पर आपको अमृत मिलेगा। बोले कहाँ? बोले सुधा बहति कंठे भगवत जनना, जो भगवान की भक्त है उनके कंठ में, बोले भगवान की कथा में ही अमृत और कहीं अमृत नहीं। इसलिए जो व्यक्ति ये कथा सुनता है उसको क्या मिलता है? बोले एक तो अमृतत्व अमरत्व, और क्या मिलेगा? बोले तप्त जीवनम, संसार में जो दुख है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई काम से दुखी, लेकिन जो व्यक्ति कथा सुनेगा कहते सारे दुख से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, सारे दुख से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। देखो इसका प्रमाण देखो, हम संसार में सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, सबके सब दुखी, कोई सुखी नहीं है, सबका टेंशन है, कोई नहीं बोल सकता हम टेंशन में नहीं। एक व्यक्ति ने किसको पूछा, बताओ तो यहाँ पर कितने लोगों को हाई प्रेशर है? कुछ लोग ने हाथ उठाए। बोले बताओ तो कुछ लोग, किसको किसने पूछा भैया ये बताओ कितने लोग डायबिटीज है? कुछ लोग हाथ उठाए। कितने फिर प्रश्न करते हैं, बताओ तो कितने लोग डिप्रेशन में टेंशन में? सारे को सारे हाथ उठाए, सबके सब हाथ उठाए। इसलिए संसार संसार में सबके सब डिप्रेशन और टेंशन सबके अंदर में। लेकिन देखो आप देखना, जैसे हम 2 घंटा तक यहाँ बैठे, 2 घंटा बैठेंगे, अभी आपको कोई दुख है, कोई संसार का चिंता है, कोई दुनिया की कोई चिंता? प्रभु की कथा नहीं, भगवान की गोद में बैठे हैं, बाकी बिहार की हम गोद में यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए गोपियां कहती भैया जितने समय तक तुम कथा सुनोगे भजन करोगे ना, उतना समय ही ये टेंशन से दूर रहोगे। हाँ कहते ना सब चीज तो सेट कर दिया, बेडरूम सेट कर दिया, किचन रूम सेट कर दिया और डाइनिंग रूम सेट कर दिया, लेकिन मन ही अपसेट है और सभी हमारी सब सेट है, और एक चीज अपसेट है, मन ही हमारी अपसेट है। लेकिन गोपियां कहती जितना अपसेट है ना सब सेट हो जाएगी। बोले कैसे? अगर ये कथा को सुनोगे तो, अगर ये कथा सुनेगा तो सब तुम्हारी सेट हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती है कथा से ही ये अमृतत्व दुख कष्ट और अमरत्व सब कुछ जीवन में प्राप्ति होगी जब भगवान की कथा को सुनो। इसलिए कथा को शास्त्र में सब अलग 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 उन्होंने कथा को उन्होंने अलग अलग उन्होंने नाम दिया है। इसलिए हम लोग बृहत भागवत अमृत सुनेंगे। इसलिए हम पहले सुनाया है ना कि कथा कौन किसको सुनाए थे बोलो? इसमें 3 संवाद है। क्या क्या 3 संवाद है? परीक्षित महाराज ने उत्तरा को कहे जन्मेजय किसको सुनाए? वैष्णव भाई को। तीसरा जो संवाद है श्री सनातन गोस्वामी हम लोगों को कथा सुनाए। इसलिए इसमें 3 संवाद है। इसलिए जिस समय श्री उत्तरा ने
प्रश्न करते हैं किसको, श्री परीक्षित महाराज को, बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, ये सात सात दिन तक क्या सुनाए, मेरे पल्ले में कुछ पड़ो ही ना, मेरे लायक ही कुछ कथा सुना दो। तब श्री परीक्षित महाराज मृत्यु अभी होने वाले, अभी तक्षक अभी आने वाला है, इनके पास में समय नहीं। ये सोच रहे थे अभी मेरे पास में केवल थोड़ी सी समय है, मैं चाहता हूँ श्री सुखदेव गोस्वामी से अभी तक जो मैंने कथा सुनी थोड़ी समय में उसको स्मरण करो। लेकिन इतने में माँ ने प्रश्न की, और माँ कितने दयालु, आपको पता है जब माँ बोलते हैं ना मुंह खुल जाती है। माँ मतलब क्या, मैया को जो खाना खिलाएगी, मैया को जो खिलाएगी। और जो माँ शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है श्री, ये माँ शब्द है। इसलिए वहां पर मैया बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई, सात दिन में मेरा बेटा मर जाएगा, तक्षक दर्शन करेगा, कहते मेरे पास में समय नहीं रहने पर भी उनने थोड़ी समय में ही माँ की वात्सल्य प्रेम में द्रवीभूत होकर के उन्होंने थोड़ी समय, प्रभु जी इधर आ जाओ, ये किधर आ गए, इसलिए उन्होंने थोड़ी समय में उन्होंने क्या सुनाए, ये बृहद भागवतामृत कथा उन्होंने थोड़ी समय से सुनाए हैं। ये जोग माया की कृपा से क्यों, ये थोड़ी सी नाम तो बृहद भागवतामृत है, अगर इसको सात दिन तक करना तभी खत्म होने वाले, इतने इसमें कथा है, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा है। और ये ग्रंथ को जब गुरु जी मथुरा में थे, ये ग्रंथ हमारे गुरु जी की बड़े प्यारा ग्रंथ था, हमने मथुरा में दो बार गुरु जी के मुंह से कथा सुनी, दो बार गुरु जी है, इसलिए दो बार उन्होंने कथा को सुनाई। क्यों, सारे शास्त्र का निचोड़ भागवत, और भागवत का जो निचोड़ है ये श्री बृहद भागवतामृतम। गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर के ये कथा को गुरुदेव सुनाए करते थे। इतने में श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते, बोले माँ तू कह रहे हो ये भागवत का सार सुनाओ, अगर ये भागवत का जो सार है ये ब्रज प्रेम है, और ब्रज प्रेम में जो सार है वो राधा रानी का प्रेम है, ये राधा प्रेम अगर बोलेगे सार क्या, केवल यही बोला जा सकता है सार केवल राधा जी की प्रेम है। क्योंकि भागवत का सार क्या है, द्वादश स्कंध 12 खंड में भगवान की जो मुखारविंद बताया ये दशम स्कंध, लेकिन दशम स्कंध में कहते ये रासलीला क्या, बोले हसी, जैसे एक व्यक्ति दुखी ना सुखी कैसे पता चलेगा, उसको मुखमंडल को देख करके, अगर एक व्यक्ति को देखो अगर हंस रहा है मतलब वो आदमी प्रसन्न है, अगर मुंह लटका कर बैठा है मतलब दुखी है, कैसे पता। उसी तरह कहते ये भागवत में जो हसी किया, बोले ये दशम स्कंध में रासलीला, और रासलीला में 5 उसमें अध्याय है, 5 अध्याय, कहते 5 अध्याय नहीं ये पंच प्राण, भागवत का ये पंच प्राण है रासलीला। क्यों, रासलीला ही भागवत का सार है हाँ। लेकिन उसमें सार क्या है, बोले ब्रज गोपियां, लेकिन उसमें सार क्या, बोले श्रीमती राधा रानी, क्योंकि जब रास चल रही थी, जब श्री राधा रानी मानिनी होकर के रास को परित्याग की, यद्यपि वहां पर सब गोपियां थी, चंद्रावली ललिता विशाखा सभ्या सबके सब सखियां तो थी, लेकिन जब राधा रानी चली गई, श्याम सुंदर ने रास लीला को त्याग करके उन्होंने राधा रानी को उन्होंने मनाने के लिए श्री राधा रानी को लेकर के एक श्यामा सखी का रूप धारण किए, करते हुए बोले देखो हम दो होकर के जाएंगी। इतने में कृष्ण श्यामा सखी रूप धारण किए और राधा जी के हाथ को पकड़े और उनको कुंज में ले गए, लेकर क्या किया, सुंदर सुंदर फूलों से माला बनाए और राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार किया है, राधा रानी को श्रृंगार किया है। जब गोपियां ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते लता पता वृक्षों को पूछे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ गए। हठात पृथ्वी के ऊपर में कृष्ण की 2 चरण और बीच में श्री राधा रानी के चरण को देखे। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर बोले अनयाराधित नम भगवान हरीश्वर। यद्यपि यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन कृष्ण लेकर के किसको गए,
बोले श्री किशोरी जी को, केवल राधा जी को। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे दो दल में लड़ाई होना, जो जीत जाता है वो शंख बजाता है, शंख बजाता है हमारी जीत हो गई। इसलिए वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, बोले भैया भले ही सबके सब बोलो कृष्ण हमारी सबसे प्यारी है, कृष्ण की सबसे हम प्यारी है, लेकिन देखो देखो तो सही, यहाँ पर सबके सब रहते हुए श्याम सुंदर लेकर किसको गए, बोले श्री राधा रानी को। इसलिए किसी नहीं सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री श्याम सुंदर को उन्होंने सेवा की। बोले श्रीमती राधा रानी की, श्री वृषभान राज नंदी की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री परीक्षित महाराज कहते माँ अगर तू बोलोगे भागवत का सार को बताने के लिए तब तो एक बात में भैया राधा रानी का प्रेम सार हो गया, बता रहे तेरा भागवत का सार बताओ हो गया, राधा रानी का प्रेम ही सार है। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं, उदाहरण दिया जैसे जैसे गन्ना है, गन्ना को पीसो तो क्या निकलेगा, जूस। अगर जूस को गर्म कर तो क्या निकलेगा, गुड़। गुड़ अगर गुड़ का सार बनाओ तो क्या बनेगी, चीनी। चीनी चीनी को सार बनाओ तो क्या बनेगा, खंड सार, कहते मिश्री। अगर मिश्री का सार अगर लोगे ना इस शर्करा क्या साकार इसलिए उसका बनता है साकारी, जिसमें थोड़ी सी में बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए कहते ऐसे ही मुझे जैसे दूध को गर्म करो, गर्म करो तो गर्म जमाओ तो दही, दही को मंथन कर तो मक्खन, और मक्खन को गर्म कर तो घी। इसलिए मेरे को स्टेप बाय स्टेप सुनाओ, क्यों राधा रानी का प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्यों राधा जी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, हमको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हमको ऐसे करते 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 करते, और बताओ राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ क्यों। मेरे को डायरेक्ट नहीं, हमें स्त्री जाति हो अनपढ़ हो, इसलिए मेरे को प्रभु जी सामने आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी क्या नाम, राधे प्रभु जी। इसलिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सुनाओ। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब श्री परीक्षित महाराज ने अपना माँ को उन्होंने ये बृहत भागवतामृत सुनाए, लेकिन जब उन्होंने बृहत भागवतामृत सुनाए बोले इतने जो दुर्लभ ग्रंथ है, इतने जो अनमोल ग्रंथ है, देखो ये ग्रंथ केवल हमारी संप्रदाय नहीं उपलब्ध है, और कहीं ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं। आप दूसरे दूसरे जगह पर जाओ, हाँ भक्ति करो, करो भक्ति, भगवान की भजन करो, लेकिन भक्ति का जो डेफिनेशन, और भक्ति में भी उसमें पांच तरह का भक्तों का बात बताए, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमा पर और प्रेमा दूर भक्त, उसमें पांच तरह का भक्त का नाम लिया है, एक से दूसरे श्रेष्ठ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। क्यों किस लिए श्रेष्ठ है, अगर ये ग्रंथ को अगर नहीं पढ़ोगे ना आप, हम बोलेंगे भक्ति भक्ति है, लेकिन आपको भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है वो ब्रज प्रेम है, राधा रानी की प्रेम है, ये चीज हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारी संप्रदाय में ये जो ग्रंथ है ये एक अनमोल ग्रंथ है, ये बृहत भागवतामृत। तब उन्हें सर्वप्रथम ये ग्रंथ इनके हृदय में प्रकाशित कैसे हुआ है, कहते श्री सनातन गोस्वामी का हृदय में इतने दिव्य ग्रंथ प्रकाशित कैसे हुआ, बोले श्री मन चैतन्य महाप्रभु कृपा से, श्री महाप्रभु का आशीर्वाद से ये दिव्य ग्रंथ इनके हृदय में प्रकाशित हुआ। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में प्रणाम करते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तब उन्होंने बताए भैया ये चैतन्य महाप्रभु है कौन, चैतन्य महाप्रभु है कौन,
इसलिए जो सर्वप्रथम को जो श्लोक लिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उसमें कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्य प्रकट मधुना तद्वयम् चैतमाप्तम् राधा भाव दुति सुवलितम् नौमी कृष्ण स्वरूप। उन्होंने जो श्लोक वर्णना किया मैं उसका सारी बोल रहा हूँ आपको, इसमें तो महाप्रभु को बड़े सुंदर श्लोक बताया। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं ये कृष्ण स्वयं है, ये स्वयं कृष्ण। बोले ये महाप्रभु का रूप में क्यों आए, बोले जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में ये मर्त्य जगत में आए उनने सारे रस को उन्होंने आस्वादन किया, सारे रस को आस्वादन करते हुए जब महाप्रभु कृष्ण जब गोलोक वृंदावन चले गए एक दिन निकुंज में बैठ बैठ करके कृष्ण सोच रहे, बोले क्या सोच रहे हैं, बोले मेरे मन में जितने अभिलाषाएं थी मैंने सारे अभिलाषा का पूर्ण किया, मैं भगवान होते हुए भी सखाओं का मैंने सखा बना, विश्व ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, लेकिन बनते हुए भी अगर कभी सखाओं के साथ में कभी मल्ल युद्ध होता है उनमें शर्त है देखो जो हार जाएगा ना वो घोड़ा बनेगा फिर दूसरों को पीठ पर बैठा करके ले जाना पड़ेगा। कहते मैं भगवान होते हुए भी कभी कभी श्रीताम ने मेरे को पछाड़ देता था, बोले तू घोड़ा बन, हमें तो तू घोड़ा बना दिया तू घोड़ा बन, अगर कृष्ण कभी मना किया मैं घोड़ा नहीं बनता हूँ, श्रीताम ने कहा देखो कृष्ण को अलग कर दो इससे कोई बात नहीं करना, जैसे बच्चे बच्चे खिला करते हैं ना इससे कोई बात नहीं करना, जब हम हार गए हमें तो घोड़ा बना दिया, जब अपना बारी आई घोड़ा नहीं इससे कोई बात मत करो। कृष्ण कहते भैया ऐसे मत किया करो मैं घोड़ा बन जाऊंगा मेरे पीठ पर बैठे करो लेकिन मेरे को अकेला मत कर। इसलिए कृष्ण मान बन से कृष्ण घोड़ा बन करके सखाओं को कंधे पर बैठ कर कहां ले जाते भांडी पर, माट बन से भांडी पर तक कृष्ण ले जाते हैं। इसलिए अगर कोई फल मिला सखाओं को हाथों में आया बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठो है, बोले तू क्या अकेले खाओगे मेरे को नहीं दोगे हैं, फिर कृष्ण लेकर ऑलरेडी सखाओं ने दो तीन सखा खा लिए केवल गुठली बचा हुआ और कृष्ण उसको खा कर कर भैया ये फल में तो बड़ा मीठो है ये फल में तो बड़ा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं मैं भगवान होते हुए भी सखाओं का सख्य रस का आस्वादन किया, भगवान होते हुए भी वात्सल्य रस आस्वादन किया, अभी तक मैंने विश्व ब्रह्मांड को अपना माया में दुनिया को बांध करके रखा लेकिन जब मैंने कभी मटकी फोड़ दी मैया ने मेरे को उखल में बांध दी, उखल में बांध दी, अगर मैंने कभी मिट्टी खाई ना मैया सीधा अगर कान पकड़ती है सारा दुनिया को कान को पकड़ करके मैं उठाता हूँ बैठता हूँ, अगर मैंने कभी गलती से अगर कोई भूल हो जाए ना मैया क्या करती है सीधा मेरी कान पकड़ती है कहते अपवित्र झूठे तुमने मिट्टी खाई तुमने मेरे को शासन करती है और मैया मेरे को कान पकड़ कर उठा दिए बैठाती है। अगर कभी मक्खन हमने खा ली मैया ने पूछे लाला तेने मक्खन खाई और मैं डर से बोलता हूँ क्या बोलता हूँ बोले मैया मोरी मैंने ही मान खायो मैया मोरी मैंने महा मैया मोरी मैंने कृष्ण डर से वो भैया मैंने मक्खन नहीं खाई मैंने मिट्टी नहीं खाई मैं डर जाता हूँ और भगवान होते हुए भी गोपियों के चरण में मैंने प्रेम की भीख मांगी। अगर राधा रानी अगर कोई मान कर जाए ना
भैया मेरे को गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगी, मेरे को अकासुर बकासुर मारने के लिए जो मेरे को कष्ट नहीं लगा, अगर राधा रानी कभी मान कर लेते ना भैया, पता नहीं कितने मेरे को क्या रोटी बेलना पड़ जाती, पापड़ बेलना पड़ता है, हैं कितने चरण में गिरने पड़ता है राधा रानी को। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैंने सारे रस को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, बोले क्या, बोले राधा रानी की क्या प्रेम की महिमा है। राधा रानी की प्रेम को जब मैं स्वयं देखता हूँ चमत्कृत हो जाता हूँ। राधा जी के अंदर में जो दिव्य दिव्य भावनाएं प्रकट होती हैं, कुटायत मुटायत किलकिची तरह तरह का दिव्य दिव्य भावना जो प्रकट होता है मेरे अंदर में नहीं होता है। मैं राधा रानी को देख कर कभी मैं मूर्छित नहीं होता हूँ, राधा रानी मेरे को देख कर मूर्छित हो जाती है। इसलिए राधा रानी मेरे को जो प्रेम आस्वादन होता है, जो आनंद है, उससे करोड़ों गुण ज्यादा श्री राधा रानी को आनंद होता है। मेरी बंसी ध्वनि सुनकर के विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, फिर राधा रानी की गले की आवाज सुनकर के स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरे शरीर को स्पर्श करके दुनिया पागल हो जाते हैं, लेकिन जब राधा रानी को शरीर को स्पर्श करता हूँ मैं सुशीतल हो जाता हूँ, है मैं सुशीतल हो जाता हूँ। फिर राधा जी के अंदर में से क्या दिव्य भावना है, जो चीज को राधा रानी आस्वादन करती है, लेकिन सब कुछ मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में, लेकिन इसको राधा रानी आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया, इसलिए मैं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के जाऊंगा, तभी ये चीज को मैं समझ पाऊंगा। इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी से दो चीज उधार लिया, क्या चीज, एक भाव और उनका शरीर का रंग को लेकर के कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सचिन नंदन श्री गौर हरि बन करके आए। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि, इसलिए इनका नाम गौर हरि, गौर मतलब गोरी, हरि मतलब कृष्णा, ये दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, हे प्रभु आपकी कृपा से ही मेरे हृदय में ये दिव्य ग्रंथ स्वर्ण हुआ। अब भगवान खुद होकर के जगत में भक्ति क्या चीज है, हैं कहते साधु पावा बड़ा कष्ट जीवे जानिया, साधु गुरु रूप कृष्ण आया नहीं। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में भैया साधु मिलना बड़ा कठिन है, साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए स्वयं भगवान एक साधु का रूप धारण करते हुए आए और जगत में अपना जीवन में आचरण करते हुए साधु का रहन सहन चाल चलन कैसे होनी चाहिए, महाप्रभु अपना भक्ति को शिक्षा उन्होंने स्वयं दिया और स्वयं राधा जी का प्रेम में। आप देखो महाप्रभु का कहीं भी तस्वीर देखो, दोनों हाथ उठा करके हैं महाप्रभु, दोनों हाथ उठा करके भक्त भाव को अंगीकार करते हुए दोनों हाथ उठा करके हैं भगवान स्वयं राधा जी की प्रेम में कृष्ण प्रेम में वो विभोर रहे। इसलिए श्री महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम करते, सबसे पहले श्री महाप्रभु को प्रणाम किया, बोले उसको बाद में किसको प्रणाम करते हैं, बोले श्री मथुरा देवी को, बोले मथुरा देवी को प्रणाम करते कहते श्री मथुरा देवी की जय। कहते ये मथुरा नहीं है मधुरा, ये क्या है मधुरा, मधुरा मतलब मीठा है, मधुरा मतलब ये मीठा है। मथुरा देवी को प्रणाम करते बोले क्यों, बोले जहां पर कृष्ण मथुरा में जहां जन्म ग्रहण भगवान जहां प्रकट हुए है, इसलिए सात पुरी है, कितना पुरी है दुनिया जानते, पुरी तो एक ही है जो खाते हो पुरी, लेकिन यहाँ बताए पुरी कितने हैं, सात पुरी। बोले वो सात पुरी क्या है, बोले अयोध्या पुरी मथुरा पुरी काशी पुरी, अयोध्या मथुरा काशी कांची पुरी अवंतिया द्वारावती, कहते ये सात पुरी है। पुरी मतलब क्या, जहां पर भगवान रहते हैं, पुरी पुरी जगन्नाथ पुरी, पुरी मतलब होता है ठाकुर का जहां निवास स्थल, उसको पुरी कहते हैं। लेकिन ये सात पुरी में कहते ये सर्वश्रेष्ठ पुरी कौन सा पुरी, बोले श्री मथुरा पुरी। बोले क्यों, बोले जहां पर साक्षात कृष्ण जहां पर प्रकट अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उससे सर्वश्रेष्ठ पुरी।
जब ये मथुरापुरी की इतने महिमा है, देखो हमारा जो गुरुदेव है ना, सारा जीवन कहाँ पर तपस्या की, भजन की। कहते मथुरापुरी का क्या विशेषत्व, देखो मथुरापुरी की एक विशेषत्व है, जैसे आप धाम का बाहर में अगर कोई आप पाप कर्म करते हो, अगर आप धाम में जाओ ना तो तुम्हारे सारे अपराध मुक्त हो जाए। लेकिन अगर कोई धाम में रह करके फिर पाप कर्म अनुष्ठान करते हैं, कहते भैया वो वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप मतलब वो पाप कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए धाम में रह करके कभी कोई पाप नहीं करनी चाहिए। लेकिन केवल एक पुरी है, अगर वहां पर रह करके तुम्हारी कोई अपराध होगी, मथुरा में अगर तुम्हारी कोई अपराध हो गई, अगर मथुरा की परिक्रमा की, यमुना में स्नान किया, अगर वहां पर भजन करोगे ना, ये सारे अपराध से मुक्त हो जाओ। केवल एक पुरी है, श्री मथुरा पुरी एक। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मथुरा देवी आती हैं, मथुरा देवी जब आती हैं, कहते हैं काशी श्री मथुरापुरी आ रही हैं, तुम छतरी लेकर के तैयारी हो उनका सर पर छतरी धारण करने के लिए। हे अवंतिया, तुम उनके लिए पादुका लेकर के तैयारी हो, हैं? इसलिए काशी कांची, हाँ कहते कांची तुम इनके लिए जो पीक धारण लेकर खड़ी हो जाओ, हैं? इसलिए वो जितने सारे धाम जो मथुरा देवी आती है, मथुरा देवी कृष्ण की प्रिया है। कहते और जितने पूरी अयोध्या मथुरा माया काशी सब के सब, कोई जुती कोई छतरी कोई चामर कोई व्यंजन कोई पानी नहीं की झड़ी लेकर के उनकी सेवा के लिए तैयारी रहते हैं। कहते मथुरापुरी की इतने महिमा, मथुरापुरी की अगर किसकी जन्म हो गया, बोले रात्रि एक निवास न कृष्ण भक्ति प्रजाए थे, हरि भक्ति प्रजाए थे। एक रात अगर कोई मथुरा में निवास करता है, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की प्रेम उसको प्राप्त होती है मथुरा में। अगर कोई शादी करके भी मथुरा चले गए, उसका भी कल्याण हो जाती है। नहीं तो किसने शरीर छोड़ा लेकिन अंतिम संस्कार अगर मथुरा में हो गया, उसको भी जमदंड, उसको जमदंड नहीं, अगर अंतिम संस्कार भी मथुरा हुई ना, तभी जमदंड भोगना नहीं पड़ेगा, सीधा ठाकुर को धाम में जाएगा। अगर किसकी जनेऊ संस्कार हुई तो उनको भी जन्मदंड भोगना नहीं पड़ेगा। किसी तरह से मथुरा में किसकी अगर थोड़ी सी कोई स्पर्श हो गया ना भगवान के धाम में, तो उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बोले श्री मथुरा देवी की जय, बोले श्री मथुरा देवी की जय, जय श्री राधे। बोले मथुरापुरी को बाद में फिर वो प्रणाम करते हैं, फिर श्री यमुना पटराई को, बोले ये यमुना क्या है, ये यमुना क्या है, बोले ये यमुना नदी नहीं, ये यमुना साधारण नदी नहीं। कहते भगवान की प्रेम जब कहीं इकट्ठे हो जाता है वो श्री गिरिराज गोवर्धन, लेकिन जब भगवान की प्रेम द्रवीभूत होकर के पानी रूप में बहती है, बोले श्री यमुना महारानी। इसलिए कहते हैं चिदानंद भानो सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लघानाम अभेत्री। ये यमुना नदी की बड़ी महिमा, कहते श्री बराह देव ये पृथ्वी को कह रहे हैं, बोले पृथ्वी गंगा की जितने महत्व है, गंगा क्या है, भगवान की चरणामृत, ये गंगा की जितने महत्व है उससे 100 गुणों ज्यादा महत्व श्री यमुना है। बोले गंगा में स्नान करने पर जो फल मिलता है, यमुना को स्मरण करने से वही, अगर घर में बैठी बैठी करके अगर यमुना को स्मरण किया है ना, आपको गंगा में नहाने का फल प्राप्त होता है, इतने यमुना की महिमा। बोले भैया यमुना प्रकट कैसे हुई, बोले एक समय भगवान अपना राग को सुने, अपना भजन को सुने, जब राग को सुने भगवान प्रेम में द्रवीभूत होकर के भगवान के शरीर से पसीना निकली, जब पसीना निकली मैया जसोदा कन्या को मोटी मोटी काजल लगा दी, वो पसीना जब काजल मिश्रित हो गई काली, फिर उनको काजल को स्पर्श करते हुए, जब हृदय को स्पर्श करते हुए पानी बहते बहते उनकी चरणों को स्पर्श करते हुए जब निकली, ये कौन होगी, ये श्री यमुना महारानी।
इसलिए इनके अलग अलग स्वरूप है। जब वृंदावन में रहती हैं ये भगवान की विशाखा है, ये यमुना कौन है, अनुराधा श्री विशाखा है। यही यमुना जब मथुरा में जाती है तब कृष्ण का पटरानी बनी जाती है, कृष्ण की ये पटरानी बनी जाती है। इसलिए ये यमुना की बड़ी महत्व, इसलिए एक आता ना जम द्वितीया, जम द्वितीया एक समय इनको ये किसकी बेटी है बोलो तो, किसके बेटी है, जम महाराज की बहनी है, कहती है सूर्य की बेटी श्री यमुना। सूर्य जैसे प्रकाशशील है ये यमुना भी वैसे प्रकाशशील है, सूर्य जैसे प्रकाशशील ये यमुना। एक समय अब देखना राखी पूर्णिमा होता है ना, बहनी लोग भैया को हाथ में राखी बांधती है, और जिस दिन राखी बांधेगी बहनी जो बोलेगी भैया को देना पड़ेगा। अभी श्री यमुना, यमुना भी सूर्य की बेटी और यमराज भी सूर्य की बेटा है। एक दिन यमुना पटरानी ने जम अपना भैया को हाथ में राखी बांधी तो भैया खुश हो गए। राखी मतलब क्या रखा करना, वो राखी नहीं अनंत दे रहे हैं। इसलिए अभी जब महाराज प्रसन्न हो गए बोले बहन आज जो कुछ मांगोगी मैं आज जरूर तेरे को दूंगा। बोले भैया अगर मेरे को देना चाहते हो कि जो जम द्वितीया कार्तिक महीना में आती है, जम द्वितीया भाई दूज, भाई दूज, भाई भैया दूज, जम द्वितीया भी कहते ना कि इसलिए अगर उसी दिन कोई भाई बहन दोनों हाथ पकड़ करके अगर ये यमुना नदी में कोई स्नान करे मेरे को ये वरदान दो, वो कभी जैसे ये नरक नहीं जाए। नरक का, नरक को कौन देखता है, जब महाराज जैसे कभी नहीं जाए। इसलिए जब महाराज ने वरदान दिया, ठीक है बहन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जो भाई बहन हाथ पकड़ करके ये जम द्वितीया में कोई स्नान करेंगे वो कभी नरक नहीं जाएंगे। इसलिए ये यमुना की बड़ी महिमा, क्योंकि भगवान जब यमुना में स्नान करते हैं, भगवान स्नान करते समय बोले ये यमुना काली काली क्यों हो गई, कारण क्या है, बोले कारण है एक तो कृष्ण चिंतन करते 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 ये कृष्ण रंग में रंगी हुई, दूसरा कारण बताए कृष्ण मैया दस्ता मोटी मोटी काजल लगा दी कृष्ण को, और कृष्ण जब स्नान किया हुआ सारे काजल का रंग मिल करके यमुना क्या हो गई, काली हो गई। गोपियां भी काजल लगाती हैं, राधा रानी भी लगाती हैं, ये यमुना में स्नान करके क्या हो गई, काजल धो गए धुल गई तो क्या हो गई, यमुना काली हो गई। इसलिए इसका बहुत सारे कारण बताते हैं, कभी ये यमुना क्या करती है, जब राधा कृष्ण को मिलन कराती है। इसलिए गोपी गीत का समय में जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां क्या बोली, चलो कृष्ण को ज्यादा ढूंढो मत, चलो यमुना किनारे में बैठी करके हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे। कृष्ण को कीर्तन बड़ा प्यारा है, वो कहां पर जाकर के बैठे, यमुना किनारा। बोले यमुना किनारा में क्यों बैठे, बोले यमुना की कृपा होगी ना फिर भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है। मैं एक कथा सुनाता हूँ ना, हाँ सुन लो यहाँ पर। बोले एक समय श्री राधा रानी कृष्ण को बोले, बोले कृष्ण मैं तो मान करती हूँ आप मेरे को मनाते हो, एक दिन आप मान करो मैं आपको मनाऊंगा। कृष्ण ने कहा थोड़ी पुरुष लोग मान करती है, मान तो माताएं करती हैं और पुरुष लोग मनाती है। बोले मैं तो मान करती हूँ, एक दिन आप ही मान करो ना, एक दिन मैं कोशिश करूंगी आपको मनाने के लिए। बोले ठीक है अगर इतना बोल रहे हो आज मैं मान करता हूँ तो मना। अभी कृष्ण मान करके बैठे थे, देखो अगर सचमुच से कोई अगर सोया हुआ होगा ना आप तो उसको जगा सकते हो, अगर कोई नाटक कर रहा है ना आप उसको जगा नहीं सकते। अभी मान का तो कोई कारण होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो मान का कोई कारण ही नहीं। इतने में कृष्ण मान करके बैठ गए और राधा रानी बहुत कोशिश की मनाने के लिए, लेकिन किसी तरह से कृष्ण का मान को उन्होंने मना नहीं सकते, किसी तरह से मान उनकी टूटी नहीं। राधा रानी तो बड़ी चिंता में पड़ी गई, बोले भैया मैंने क्यों बताया मान करो मान करो, इनके मान तो दूर नहीं हो रहा है, जो किसी तरह से मान दूर नहीं हो पाए। इतने में उसने से यमुना पटरानी के पास में गई, बोले ऐसे ऐसे बात है। तब यमुना ने बोली भैया मैं तो चुटकी बजाते हुए इनके मान को मैं तोड़ सकती हूँ। बोले तोड़ दोगे, बोले हाँ, बोले तोड़ करके दिखाओ।
ये दोनों बच्चों को अलग कर दो, इन दोनों बच्चों को वहां अलग कर दो। इसलिए इतने में श्री यमुना क्या की, उन्होंने पूरा कृष्ण रूप धारण किया, पूरा कृष्ण जैसे देखो वैसे एक पुरुष सुंदर है, लेकिन एक अगर किसी लड़की को अगर आप पुरुष बनाओ ना देखना उससे भी सुंदर दिखेगी। अभी यमुना के रंग कैसे, कृष्ण का रंग कैसे, बड़ी सुंदर चोटी भी उनकी बड़ी केस है। अभी यमुना ने बड़े सुंदर मोटी मोटी काजल लगा करके, इतने सुंदर मोर मुकुट लगा करके, बंसुरी पीताम्बर पहन करके, इतने सुंदर उसने श्रृंगार की, श्रृंगार करके जब जमुना पटरानी आई, कृष्ण को देख करके चौंको तो बोली ये क्या भैया, ये कौन है, क्या मेरी मैया ने कभी जमज संतान जन्म दिया था, अभी तक तो मेरे से छुपा कर रखी थी, ये तो मेरे जैसे बल्कि मेरे से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, मेरे से भी ज्यादा सुंदर ये दिख रहा है। जब वो आई ना, जितने सखियां थी वहां पर, जब उन्होंने यमुना को देखे कृष्ण रूप में, और कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है, जो असली कृष्ण को छोड़कर नकली कृष्ण को भिजवा दी, कृष्ण को अकेले छोड़ दिया, सबको यमुना को पीछे, भैया यही तो सही कृष्ण, इतने सुंदर कृष्ण। कृष्ण ने कहा भैया ये क्या हो गया, ये तो मेरे को छोड़ करके और किसको पीछे चले गए। कृष्ण समझ गए भैया दाल में कुछ काला है। इतने में कृष्ण जाकर यमुना से पूछे, बोले भैया तो तुम कौन हो, बोले मैं कृष्ण हूँ, अब नहीं दिख रहा मैं तो कृष्ण हूँ, बोले तू भी कृष्ण मैं भी कृष्ण हूँ, जब दोनों कृष्ण मैं आपसे गले में मिलना चाहता हूँ। इतने में कृष्ण जब यमुना की गले में मिले है ना, फिर पता चल गया ये पुरुष नहीं ये स्त्री है। फिर तो कृष्ण का मान उतर गया, फिर राधा कृष्ण का मिलन हो गया। इसलिए यमुना ने क्या की, राधा कृष्ण दोनों को उन्होंने मिला दी। इसलिए यमुना की कृपा से राधा कृष्ण की जुगल मिलन होता, जुगल मिलन हुई। इसलिए उसके बाद में उन्होंने श्री यमुना महारानी को उन्होंने प्रणाम करते हैं, बोले श्री यमुना पटरानी की, बोले श्री यमुना देवी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अलमने लगे वृंदावननी को, अलमने लगे वृंदावननी को, अलमने लगे वृंदावननी को, अलमने लगे वृंदावननी को, लागे ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा।
दर्शन गोविंद की को, दर्शन गोविंद की को, हरि मन लागे वृंदावन की को, हरि मन लागे वृंदावन की को, हरि मन लागे वृंदावन की को, हरि मन लागे Thank you.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की उसको बाद में श्री सनातन गोस्वामी श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं। बोले जयति जयति वृंदारण्य मेतत मुरारी प्रियतम साधु स्वांत वैकुंठ वासा पालयति। यहाँ पर श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं। कहते जब वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं बोले जयति जयति वृंदारण्य मेतत मुरारी। यहाँ पर उन्होंने जब उन्होंने यमुना जी को कहते मथुरा जी को उन्होंने जब प्रणाम किया है उन्होंने मथुरा को जयति शब्द बोले। लेकिन जब वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं ना यहाँ पर जयति जयति वृंदारण्य मेतत उन्होंने दो बार जय जय बोले। इसलिए बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बोले श्री वृंदावन धाम है क्या चीज? बोले ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। बोले आनर हृदय मन मोर मन वृंदावन। राधा रानी कहती हैं कि जो वृंदावन धाम राधा रानी का हृदय है। राधा रानी अपना हृदय को कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने श्री वृंदावन धाम रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए हरि निष्कूट वृंदावन से मानो ये वृंदावन धाम एक सुंदर बगीचा है। कृष्ण क्रीड़ा की ये एक सुंदर श्री बगीचा श्री वृंदावन धाम है। बोले क्यों ये वृंदावन धाम की इतने महिमा का नहीं? भगवान जहाँ पर गैया चराए ठाकुर जी जहाँ पर गैया चराए इसलिए कृष्ण जब गैया चराने के लिए जा रहे थे इतने में मैया जसोदा बोली। बोले लाला तेरे लिए दो जुत्ती और एक छतरी बना देती हूँ। बोले मैया हम तो गोपाल हैं, गैया हमारी इष्ट है। हमारे जो इष्ट गैया है अभी उनका छतरी और उनकी जुत्ती नहीं और हम सेवक को अगर जूती छतरी के धारण करेंगे। अगर मेरे लिए जूती छतरी बनाओगे ना जितने गैया सबके लिए 4000 जूती और एक एक छतरी बना दो फिर तो मैं धारण करूंगा। इसलिए कृष्ण नंगे प्यार में वृंदावन में सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया। अब कृष्ण जब वृंदावन धाम में भ्रमण करते थे कृष्ण की चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी इतने प्रसन्न है इतने प्रसन्न हो जाती थी। कहते जो घास है ना बोले घास नहीं जैसे प्रेम से किसका रोकर खड़े हो जाए। कहते झरना नहीं जैसे प्रेम से किसकी आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए। इसलिए कहते ये वृंदावन धाम अभी भी वृंदावन धाम में देखोगे सब जगह में भगवान की चरण का छाप अभी भी पड़ा हुआ है। हा? अभी भी वृंदावन धाम में पड़ा हुआ। इसलिए श्री पितामह ब्रह्मा कहते हैं बोले चिंतामणि प्रकर सतम सुकल्प वृक्ष लख्या बिद्धत सुरभि रवि पालयन्ति लक्ष्मी सहस्र सत संब्रह्म सिद्धमानं गोविंदं आदि पुरुषं तमाम। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कहते वृंदावन के बोले जब भूमि है वो भूमि नहीं वो चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो चिंता कर वही रहते हैं। जितने वृक्ष किया बोले कल्प वृक्ष है। कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई और डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे बोली। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर जितने गुल्म लता कीट पतंग ये साधारण नहीं बोले कृष्णानुकूलम ये सब के सब कृष्ण सेवा के लिए पशु पक्षी कीड़े मकड़ भी। इसलिए गुरुदेव एक सुंदर कथा सुनाते थे। गुरुदेव कहते थे एक समय राधा रानी बड़ी महान थी कृष्ण मनाते मनाते थक गए। अभी राधा रानी हैं अभी कुंज से निकलते हुए जा रहे कृष्ण तो दुखी हो गए राधा रानी मान नहीं रही। जब राधा रानी निकुंज से बाहर निकली ना देखा एक काला जहरीले सरोवर के आए। राधा रानी जब मान करके चली गई
उनकी आंखों का आंसुओं से वो सरोवर भरा हुआ है। प्रेम सरोवर क्या है? राधा रानी प्रेम में जब द्रवीभूत हुई ये प्रेम सरोवर बने। मानसी गंगा क्या है? कृष्ण का मन से ये गंगा प्रकट हुई। राधा कुंड श्याम कुंड क्या है? ये पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ श्री राधा कुंड श्याम कुंड ने, ये राधा कुंड ने स्वयं श्री राधा रानी, ये कृष्ण कुंड ने स्वयं कृष्ण ही है कुंड बन करके प्रकट हुए। वृंदावन के कोई तालाब तालाब नहीं, नदी तो स्वयं श्री जमुना महारानी। इसलिए कहते भैया वहां कुआ भी साधारण नहीं, ये कुआ भी साधारण नहीं, बोले एक समय सारे तीर्थ मिल करके मीटिंग किया। मीटिंग क्या किया? बोले जो राजा होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। अभी राजा बनाया भगवान कृष्ण ने, राजा किसको बनाया? किसको बनाया? हाँ प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग को उन्होंने राजा बना दिया, क्योंकि वहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिली। इसलिए जो राजा होता है क्या नियम क्या, उसको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, उसको दर्शन करने जाना पड़ेगा। अभी सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं, उनको दर्शन करते हैं, टैक्स कर देते हैं। लेकिन देखा वृंदावन से कोई भी नहीं जाते हैं। वृंदावन से नदी की बात छोड़ दो, तालाब की बात छोड़ दो, यहाँ के एक कुआ भी वो प्रयागराज को दर्शन के लिए नहीं जाता। एक दिन तीर्थराज प्रयाग दुखी होकर कृष्ण बांके बिहार के पास में आए, बोले प्रभु जी मेरे को झूठ मूठ का प्रयाग नहीं बनाया, तीर्थराज प्रयाग तीर्थ में राज, सारा दुनिया तो मेरे को दर्शन कर देने आते हैं, लेकिन ये वृंदावन धाम का यहाँ तो कोई नदी तो आती नहीं, यहाँ के कोई सरोवर छोड़ दो, यहाँ के कोई कुआ भी मेरे पास नहीं आता नहीं, पर मैं किस चीज की यहाँ पर राजा हूँ, बेकार का राजा हूँ। देखो कृष्ण क्या कहते, बोले प्रयाग जी मैंने भी तेरे को राजा बनाया, लेकिन तेरे मैं अपना घर का राजा नहीं बना दिया, मैं तुम्हें अपना घर की राजा नहीं बनाया, जो वृंदावन धाम है ना ये मेरी घर है। इसलिए श्री श्रीवास पंडित और श्री स्वरूप दामोदर में लड़ाई हो गई। श्रीवास पंडित कौन है? बोले नारद जी वैकुंठ परिकर। कहते श्री हमारे श्री स्वरूप दामोदर कौन? ललिता है, दोनों में लड़ाई हो गई। और वो लक्ष्मी की, नारद जी लक्ष्मी की महिमा देखो, लक्ष्मी का ठाड़ बाड़ देखो, हीरे जवाहरात से बने हुए सिंहासन, कितने दास दासी, कैसे उनके चंद्रताप, कैसे उनका छत्री देखो, वैकुंठ में क्या ऐश्वर्य है, कितने ऐश्वर्य वैकुंठ में, कितने में स्वरूप दामोदर। कहती है ललिता बोले ज्यादा बात मत करो, अभी तुम्हें वृंदावन की महिमा तुम्हें बताई नहीं है, वृंदावन की वहां की एक लता में इतने शक्ति है, एक पता में इतने शक्ति है, वहां की एक धूल में इतने शक्ति है, कितने वैकुंठ हुई प्रकट कर देंगे। इसलिए बोले चिंता मणि प्रकर सत्म, इसलिए वहां का जो भूमि है वृंदावन की सबके सब चिंता मणि। चिंता मणि मतलब क्या? जो मांगो वही मिलेगा, जो चिंता करो वही दे देती है। इसलिए वहां पर जो ऐश्वर्य माधुर्य जगत है वहां पर ढका हुआ है, इसलिए वृंदावन की जो अद्भुत महिमा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री वृंदावन धाम को बोले श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
राधा रानी की जय जय श्री राधे। उसको बाद में श्री जयती जयती गोवर्धन को प्रणाम कर दो। गोवर्धन जयती शील कुलाधिराज श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम किया। इसलिए एक दिन हम पूरा ही गिरिराज की कथा सुनेंगे। लास्ट का दिन हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाएंगे और अन्न गुरुमहोत्सव लास्ट का दिन करेंगे। उसी दिन गिरिराज की कथा सुनेंगे। उसको बाद में प्रणाम करते हैं भगवान भक्ति को जयकार देते हैं। भगवान की भक्ति को प्रणाम करते बोले क्यों बोले भगवत प्राप्ति कैसे होता है बोले भगवत भक्ति से। भगवान केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं और ज्ञान योग कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इसके लिए उदाहरण देते हैं। कोई भी कहते हैं अरे भक्ति तो तभी होगा है ज्यादा पैसा होने पर तभी जाकर भक्ति और भगवान मिलेंगे। बोले भैया सुदामा जी को पास में कौन सा पैसा था? वो दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र थे लेकिन केवल भक्ति होने का नाते कहते ना भगवान उसके क्या ख्याल है। जब उन्हें दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ठाकुर के पास में, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ को बिल्कुल प्रभु नहीं आपने दो मुट्ठी खा लिया ना उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गए। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे तो उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा प्रभु और मत खाओ। और सुदामा जब घर में आया सोने की महल रानी उसकी पटरानी बनकर के राज रानी बनकर बैठ गई। उसका अंदर में कौन सा धन पास में पैसा था? अगर कोई बोले पैसा से ही भगवान मिलते भैया उसके पास में कौन सा पैसा था लेकिन भक्ति थी उसके पास में है। इसलिए अगर कोई बोले नहीं जब ज्यादा उम्र हो ना तब भक्ति करोगे कहते भैया ध्रुव महाराज का कितने उम्र था कल 5 साल। उन्होंने 5 साल उम्र में 6 महीना में उन्होंने 6 महीना में भगवत दर्शन हो गई। पहला महीना में तो उन्होंने बेर फल खा करके 3 दिन अंतर में बेर फल खा करते और दूसरी महीना में 6 दिन अंतर में सूखे पत्ते खाए और तीसरा महीना में उन्होंने केवल पानी 9 दिन अंतर में पानी पिए और चौथा महीना में पानी भी त्याग दिया। पांचवा महीना में उन्हें केवल हवा लेकर का छठवा महीना में प्राण वायु को बंद किया तो सारा दुनिया की हवा ही बंद हो गई और भगवान स्वयं वैकुंठ छोड़ कर के उनको दर्शन दिए। क्यों दर्शन दिए केवल भक्ति केवल भगवत भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होता है। ज्ञान कर्म योग को द्वारा प्रभु प्राप्त नहीं होती। इसलिए समुक्ति पते दाय भाग जो भगवान की भक्ति करते हैं मुक्ति कहाँ रहती है बोले उनकी चरण रहती है। भक्तों की चरण में मुक्ति रहती है। इसलिए बोले मुक्ति स्वयं मुकुंदा जली सेवत असमान धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा। अगर किसी के हृदय में प्रभु की भक्ति प्रकट हो जाए ना बस भक्ति प्रकट होने पर जो धर्म अर्थ काम के लिए जो इतने लोग कठोर तपस्या करते हैं वो हाथ जोड़ करके कहते प्रभु कब हमें थोड़ा स्वीकार करेंगे। और मुक्ति
जो मुक्ति के लिए लोग इतने परिश्रम करते हैं, कभी गेट को बाहर खड़ी जाती है और भक्त कहते खबरदार आना नहीं, घुसना नहीं अंदर में। मुक्ति कहती भैया थोड़ी सी तुम मेरे को सेवा दे दो, थोड़ी सी हमें सेवा दे दो। इसलिए यहाँ पर भक्ति की जयकार दे रहे हैं भगवान। केवल भक्ति को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, ज्ञान कर्म योग से प्रभु वशीभूत नहीं होते हैं। लास्ट में जो जयकार देते हैं श्री हरि नाम संकीर्तन, बोला श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। इसलिए जयति 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 बोला, हाँ कृष्ण नाम मुरारी। यहाँ पर उन्होंने जो हरि नाम को जब उन्होंने जयकार देते हैं, यहाँ पर भी कहते जयति जयति नामानंद रूपम मुरारी विरमित निज धर्म ध्यानादि पूजा। देखो यहाँ पर श्री हरि नाम को चरण में प्रणाम करते हुए, भैया क्यों इतने दूसरे दूसरे ज्ञान कर्म योग में क्यों फंसे हुए हो, क्यों इधर उधर फंसे हुए हो, और भगवान के नाम कितने सरल है। ठाकुर जी कितने नाम को सरल बता दिया, हाथ में जो कुछ कर कृष्ण का सेवा मान करके, और हाथ में काम और मुंह में भगवान की नाम। बस थोड़ी सी प्रभु का नाम कितने से प्रभु मिल जाएंगे, फिर ये लोग ज्ञानी योगी इतने कठोर तपस्या क्यों करते हैं। इसलिए कहते भैया तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल क्या करो एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कल्याणी हो गया, प्रभु नाम से कल्याण हो गया, कुछ करने का कोई कलयुग में कोई कुछ जरूरत नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतरहि परा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम को सुमिरन करते 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 जीव भव सागर से पार हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुमला, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को, प्रभु राम भी अपना महिमा को नहीं बता सकते हैं। इसलिए प्रभु राम को पार होने के लिए समुद्र उनकी सेतु की फूल की जरूरत हुई, और हनुमान जी क्या किए जय श्री राम, बस जय श्री राम बोल करके समुद्र को पार हो गए जय श्री राम बोल करके। देखे छोटी सी स्टोरी सुनो, बोले एक समय जैसे सत्य त्रेता द्वापर कली कितना युग है, चार युग। अभी तीन युग अपना अपना राज्य, सत्य युग का राज्य तो हो गया, त्रेता और द्वापर का राज्य तो हो गया, अभी कली युग राज सिंहासन में बैठा, अभी कली युग चल रहा है ना, अभी कली राजा बन करके सिंहासन में, अभी कली की कली राज्य तो कर रहा है। एक दिन ये तीनों भाई ने सोचा हमने तो अपना अपना राज्य तो की, सबसे छोटा भाई अभी सिंहासन में बैठा, चलो छोटे भाई से हम थोड़ा मिल करके आते हैं। वहां पर गए, वहां पर दरवान था, दरवान को बोले जाओ कलीजू को बोलो तुम्हारे तीनों बड़े भाई तुमसे मिलने के लिए आए। जब दरवान जाकर के बोला आपका तीनों भाई परिचय दे रहे हम सत्य सत्या द्वापर और आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम क्या बोले, बोले उनको बोल दो हमारे पास में कोई समय नहीं उनसे मिलने के लिए, उनको बोल देना। इतने में वो आकर के बोल दिए, वो कहते हैं भैया उसके पास में कोई समय नहीं तुम्हारे साथ में मिलने के लिए। बोले भैया हमें तीनों बड़े भाई और इतने दूर से आए छोटे भाई साहब भैया से मिलने के लिए, वो क्या कहते हैं हमारे पास समय नहीं। बोले भैया हम कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस केवल हम अपना आंखों में आंखों मिलाकर चले जाएंगे, इतना बोल दो। जब वो जाकर फिर बोला कलयुग तो और बिगड़ गया, बोले मैं उनका मुंह तो भी देखना नहीं चाहता। बोले फिर तो तीनों भाई दुखी हो गए, बोले भैया हमने ऐसे क्या किया, ये कहता हमारा मुंह तो भी देखना नहीं चाहते हैं। बोले भैया और एक बार जाकर के बोलो, बड़े दूर से आए थोड़ा मिल करके चले जाएंगे, और एक बार बोलो। बड़े कष्ट से
कलयुग ने कहा ठीक है आदेश दो आने के लिए। जब आए ना कलयुग तो सत्ययुग को बड़ी डांट लगाया, बोले देखो इसलिए मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता था। बताओ सत्ययुग आया है लेकिन तुमने काम क्या किया होगा? सत्ययुग में क्या धर्म था? बोले कृते जत ध्यायत विष्णु। सत्ययुग का जो युग धर्म था ध्यान करना। अब सुने होंगे वाल्मीकि कितने तपस्या की, इतने वाल्मीकि तपस्या की, उनका नाम वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? शरीर दिमक चाट गया, केवल हड्डी को अंदर में श्री राम श्री राम, हड्डी से राम राम नाम आ रहा था, दिमक चाट गया। हिरण्यकश्यप को देखना 60,000 साल तपस्या की, आप सुनेंगे 10-60, लेकिन कठोर तपस्या, बड़ी परिश्रम करना पड़ता था, कठोर परिश्रम। लेकिन भैया इतने तो परिश्रम कठोर तपस्या किया लेकिन उनको मिला क्या? हिरण्यकश्यप क्या मिला, दूसरे दूसरों क्या मिला? हाँ यहाँ तो मुक्ति मिल गई है, जो भक्त लोग जो मुक्ति लेना नहीं चाहते उनको मुक्ति बाबा एक लोग मिल गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिली है उनको। इसलिए देखना नहीं चाह रहा था, तुम लोग केवल लोग कष्ट कष्ट दिया लेकिन फल है ना बड़े तुच्छ फल दिया। तृतीया जीव को भी डांट लगाया, बोले तेरे साथ में क्यों नहीं मिलना चाहता था? बोले तृतीया जीव का युग धर्म था यज्ञ, रोज रोज यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के लिए हवन सामग्री लाओ, घी लाओ, तुलसी चंदन अगुर है, कितने सारे चीज इकट्ठे करो फिर यज्ञ होगा। अब फिर देखो यज्ञों के पास में बैठ लो, जब उसके यज्ञ का जब लपेट आग की लपेट निकलता ना धुआं, फिर तो देखना कितना कष्ट होता है, बैठा नहीं जाता है। रोज रोज यज्ञ करो, इसमें पैसा खर्च कराओ और उसकी आग की लपेट को पास में बैठ करके शरीर में ताप। भैया तुमने भी लोगों को ज्यादा परिश्रम करवाया है, परिश्रम करवाया लोगों को, केवल कष्ट और केवल पैसा खर्च करवाया, इसलिए मैं मिलना नहीं चाह रहा था। द्वापर युग को भी डांट लगाया, बोले तुमने क्या की,